भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए गाइडलाइन तैयार करने की बात की गई है, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल नाजनीन, क्योंकि जब ये घटना हुई उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद नाराजगी व्यक्त की है इस प्रकार की घटना की, कि आखिरकार राजधानी भोपाल में इस प्रकार से युवक जाते हैं, जश्न मनाते हैं, नाव को बीच तालाब में ले जाते हैं और वहां पर इस प्रकार का हादसा होता है, तो मुख्यमंत्री ने काफी चिंता जताई थी और यहां पर नाराजगी व्यक्त की थी अधिकारियों के सामने। और फिर मंत्रालय में अब बैठक बुलाई थी, तो बैठक के में अगर हम बात करें तो मुख्य सचिव एंटोनी डिसा, डीजीपी भोपाल, कलेक्टर निशांत बरवड़े और जो कि नगर निगम के कमिश्नर हैं तेजस्वी नायक, इनको बुलाया गया था। और बैठक में मुख्यमंत्री ने इन तमाम अधिकारियों को लताड़ भी लगाई और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो उसको रोकने के लिए एक गाइडलाइन बनाने की बात कही गई है, कि एक गाइडलाइन बनाई जाए किस प्रकार से ऐसी घटनाएं को रोका जा सके, क्योंकि आए दिन देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं चाहे हम बड़ी झील की बात करें, लोग आत्महत्या सुसाइड पॉइंट के तौर पर बनती जा रही है बड़ी झील, और अगर छोटी झील की बात करें तो इस प्रकार की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आती है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों को यहाँ, चाहे भोपाल कलेक्टर की बात करें या फिर नगर निगम कमिश्नर की बात करें, इनको फटकार लगाई है और जल्द ही एक गाइडलाइन बनाने की बात कही है। साथ ही पूरी घटना की एक उच्च स्तरीय जांच करने के भी यहाँ आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही जो पीड़ित परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं, गंभीर नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को फटकार के साथ साथ गाइडलाइन बनाने के अब निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। कहीं बिल्कुल सही है कि अब मुख्यमंत्री ने जब लताड़ लगाई है उसके बाद अफसर इस बात पर पूरे तरीके से ध्यान देंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो। लेकिन सुनील, जिस तरीके से नगर निगम कमिश्नर का बयान आया था, उन्होंने कहा कि इसमें प्रशासन की गलती नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि अब अतिक्रमण विरोधी दस्ता पहुंचता है और नाव को जब्त करने की कार्रवाई की जाती है, अगर ऐसा पहले किया जाता तो क्या लगता है आपको, यह हादसा होने से रुक सकता था? देखिए नाजी, नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम को ये भी पता नहीं है कि बड़ी झील और छोटी झील में आधिकारिक तौर पर कितनी नावें चल रही हैं, नावों का कौन कौन संचालन कर रहा है, नगर निगम के पास ये जानकारी नहीं है। कुछ नावों की भली जानकारी है लेकिन उसके अलावा कई नावें ऐसी हैं, कई बोटें ऐसी हैं जो अवैध तरीके से संचालित की जा रही हैं कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत से। तो यही वजह है कि कल रात को भी नगर निगम कमिश्नर का बयान आया था कि जो भी अवैध तरीके से या फिर गैरकानूनी तरीके से बोटों का संचालन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और लगभग आज 25 बोटों जो बोटे हैं वो नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने यहाँ से जब्त की है। तो कुल मिलाकर घटना हो जाने के बाद ही प्रशासन, ये शासन प्रशासन जागता है और वही कमोबेश स्थिति नगर भोपाल नगर निगम की देखने को मिल रही है। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है, अगर देखा जाए तो लोग इसे सुसाइड पॉइंट की तरह यूज भी कर रहे हैं, नौजवान अक्सर ऐसी घटनाएं करते रहते हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री ने अपील भी की है नौजवानों से, तो अगर ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं तो क्यों नहीं प्रशासन पहले ही चेतता है, क्यों नहीं ये कार्रवाई पहले की गई? देखिए ना जी, अगर सुसाइड पॉइंट की बात करें तो राजधानी का जो बड़ी झील के ऊपर जो वीआईपी यहाँ पर पुल बना हुआ है उसको लेकर हमेशा इस प्रकार की बात होती है, कई युवा या युवतियाँ यहाँ से कूदकर आत्महत्या कर चुके हैं और उस दौरान भी ये बात आई थी कि वीआईपी रोड के आसपास एक बड़ी जाली बना दी जाए या फिर वहाँ पर ऐसा एक दस्ता तैनात किया जाए जो इस प्रकार के लोगों पर नजर रखे और जो कूद रहे हैं तो उनको बचाने का प्रयास किया जाए। तो ये पिछले कार्यकाल में जब महापौर कृष्णा गौर हुआ करती थी उस दौरान भी ये बहुत तेजी से बात उठी थी, क्योंकि घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी थी और उसके बाद ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तैनाती की बात थी कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों की यहाँ तैनाती की जाएगी, गोताखोरों की तैनाती की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्व एक बड़ा पैसे की आवश्यकता है यहाँ पर, कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत है और संसाधनों की दुहाई देते हुए ये पूरा प्रोजेक्ट जो था वो नगर निगम ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब कल जिस प्रकार का हादसा हुआ है उसके बाद से अब नगर निगम एक बार फिर चेता है, मुख्यमंत्री ने यहाँ लड़ताड़ लगाई है और अब ये माना जा रहा है कि शायद नगर निगम का एक अमला यहाँ पर, गोताखोरों का अमला यहाँ तैनाती की जाए, उनकी तैनाती की जाए, उनके लिए एक अलग से फंड की अब बनाया जा सके। तो कुल मिलाकर अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री की इस फटकार का कितना असर भोपाल नगर निगम पर होता है, जिला प्रशासन पर होता है और क्या फिर वो इसके लिए योजना बनाते हैं। तो सुनील, कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि अधिकारी जो भी दुहाइयां दे रहे हो, जो भी कारण बता रहे हो, लेकिन एक लापरवाही यहाँ पर उजागर हो रही है।
देखिए नाजनीन, दोनों तरफ से लापरवाही है, अधिकारियों की भी लापरवाही है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, और दूसरी तरफ अगर अधिकारियों के अमले की बात की जाए तो एक सीमित अमला रहेगा। लेकिन ऐसे में जब मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा है कि युवाओं को जोश के साथ होश में काम लेना चाहिए, उत्सव में इस प्रकार का ना हो, क्योंकि खबर ये आ रही है कि शराब के नशे में वो बोट को किनारे से रस्सी से बंधी हुई थी उसको छोड़ के ले गए थे और शराब के नशे में वहां पर बीच तालाब में डांस कर रहे थे और उस दौरान बोट अनियंत्रित हुई और उसके बाद वो पलटी है। तो कुल मिलाकर युवाओं की भी जवाबदारी बनती है, लोगों की भी जवाबदारी बनती है कि अगर प्रशासन किसी बात की उनसे अपील कर रहा है तो उनको उस चीज का पालन करना चाहिए। शराब के नशे में अक्सर इस प्रकार की बातें होती हैं और यही मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, क्योंकि प्रशासन कानून बनाए जा सकते हैं लेकिन पालन अगर युवा ना करें, लोग ना करें, उनका उल्लंघन करें, तो फिर ऐसे में घटनाओं पर रोकथाम एक 100% तरीके से नहीं रोकी जा सकती। दोनों तरफ से जिम्मेदारी बनती है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर लापरवाही की अगर बात की जाए या फिर जांच की जिस तरीके से आदेश दिए गए हैं, साथ ही सीएम ने ट्वीट करके नौजवानों को भी ये कहा है कि खुशी के मौके पर अपना संयम बनाए रखें, अपना आपा न खोएं, और देखा जा रहा है कि अगर लापरवाही